जी कितनी चाहिए? या जितनी आप मतलब के जो आप अफोर्ड कर सकते, जितनी आपकी पॉकेट आपको मतलब के देती है। मैं फिर ये मेरी तरफ से जो है ना, ये 500 रुपया कंफर्म है। मेरे पास एक और आइडिया है, जरूरी नहीं है ना, क्योंकि जो आजकल ये सिम वाले कार्ड चले हुए ना, बंदा आराम से शॉपिंग करे, वो स्कैन करते हैं, ठीक है। अब मैंने भैया को कार्ड नहीं देना, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, आज के व्लॉग में करते हैं आपका वेलकम। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से चैनल को करो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा दो। तो भाई साइडें देख के आपको कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा हो ही चुका है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी वापस आ गए हैं, छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, और इसके अलावा क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, बेबी को तो वैसे मैं भी पसंद हूँ लेकिन बेबी को तो बेस पसंद है। आपको हमारा व्लॉग पसंद है या नहीं ये तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। पसंद ही होगा, पसंद होगा करना यार तुम पसंद। अच्छा, भाई आप भी तो मेरे यार, आपने नुमान के चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया यार। चैनल के नौमी भाई के चैनल को लाजमी 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 सब्सक्राइब करो। नौमी भाई अपने बताओ, देखो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको उसके लिए मैं आईफोन का गिव अवे रखूंगा। आप तो सारे नोकिया मोटोरोला पे व्लॉगिंग कर रहे हैं, तुम गिव अवे आईफोन का करना है। अच्छा आज यूनिवर्सिटी आ गए हैं, मजाक से हटके नहीं, सीरियस यूनिवर्सिटी आ गए, साइने देख सकते हैं। और ईद के अभी तक वो गुज़श्ता ईद मुबारक, हम आपको मैंने बोला नहीं यार, गुज़श्ता ईद मुबारक, खैर मुबारक भाई, ईदी भी दे भाई, ईदी दिन देना। मैं आज हम भाई आवाम से मांगेंगे अपना ईदी, आज आवाम से हम अपना हक मांगेंगे, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक हमारा हक मारा गया, छीना गया, और आज हम अपने हक की खातर लड़ेंगे, ठीक है। ओके नौमी, ठीक भाई, सबसे पहले आपसे शुरू करूँगा भाई। नौमी से मैं ईद मांगे, नौमी भाई ईदी ईदी तो दो। खोला खोला 36 इंच की मल्टीप्लेक्स नहीं यार, ईदी दो यार, ये गलत बात है, इसे लेते हैं लेते हैं। ईदी दो यार, हमारी ईदी दो भाई, भाई ईदी दो, लड़कर रहा है, आईफोन दे दो ईदी में, ईदी में आईफोन दे दो, अपनी शक्ल देखी दोबारा, आईफोन वाली है भाई, निकल कल दो ना, सब तो महंगा फल बे रहे, ठीक है यार, वो साडे कोल है, असि गरीब है, मैं गरीब हूं भाई, इसलिए कह रहा हूं आईफोन दो। तुसी ਤੁਹਾਡਾ ਤੁੱਪੇ, चलो भाई ईदी तो दो ना मेरी, ईदी में आईफोन दो, छोटा ले ले ये आईफोन 6, हां ये है ले ले। इसकी रीजन ये है कि वो जो दूसरा आईफोन मिलना था ना, वो इसने हमसे ले लेना था, लेकिन ये है कि ये इसको वापस ही मिलेगा, ये भाई देना नहीं है मैंने, ठीक है ना। ओके 25,000 बहुत शुक्रिया भाई मेरा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये धक्के नाल ईदी लेगी किन्ने दा, 25,000 दा, तेरी शक्ल है 25,000 दी, 10,000 दा मोबाइल है, 128 GB च है, वाटर बाकी ये भाई मेरी ईदी है ये, ठीक है ना, ठीक है। ओके थैंक यू, ये पहली ईद मिल गई है, बाकी दूसरों से अपना हक लड़के ले लू के दूसरों से ईदी मांगते देते हैं, तब तक हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम, अच्छा यार सबसे पहले तो आपको गुज़श्ता ईद मुबारक, खैर मुबारक, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, हाँ खैर मुबारक, उसकी रीज़न ये है कि भाई आपको पता है छुट्टियाँ हुई थी और फिर घर में थे, अभी यूनिवर्सिटी ओपन हो गई थी, इसलिए आपको बोल रहा हूँ, बिल्कुल दोबारा फिर ईद मुबारक। और यार अब आई थिंक ईद का ना वो सारा अभी तक सुरूर आप में नज़र आ रहे हैं, नया सूट पहना हुआ, अभी तक सेलिब्रेट कर रहे हो? नहीं मैं बिल्कुल ऐसे ही रहता हूँ, क्या सारा साल ही इंज रही है, नहाना नहीं बस कपड़े नवे पाए, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा यार ईद पे पूंडी शुंडी की थी? नहीं पूंडी शुंडी तो फिर नहीं यार, यूनिवर्सिटी में नया सूट पहन के और वो भी एक स्पेसिफिक टारगेट वाली जगह पे खड़े हो गए इस तरफ देखना, तो मैं तो भाई यही समझूंगा क्या पूंडी कर रहे हो। अच्छा बाकी सारी बातें छोड़ो, ईदी दो भाई, ईदी आपका हक बनता है, हमें ईदी देना, मैं आपके पास आया हूँ ना, आपने तो मुझे नहीं बोला ईद मुबारक, मैंने बोला ना, तो आपका हक है फिर ईद दो मुझे। ईदी कितनी चाहिए आप भाई? जितनी आप दे सकते हो ईदी, ये कोई मतलब जोर ज़बरदस्ती नहीं है, जितनी भी आप दे सकते हो, जितनी आप अफोर्ड कर सकते हो। अच्छा तो जल्दी जल्दी कार्ड चलेगा? एटीएम कार्ड नहीं चलेगा, एटीएम कार्ड, चलो एटीएम कार्ड कोड बता, हाँ ठीक है कोड बता देना, कोड क्या है इसका यार? पैसा ही पैसा होगा, कोड बता देंगे आप सारे निकलवा लोगे। अच्छा एटीएम कार्ड दे दिया, कह रहा है कि जितनी आपको चाहिए ले लो, और कोड नहीं बता रहा, ये तो कोई मतलब के सीन नहीं है। चले ठीक है, मैं कोड नहीं बताना नहीं, मेरे पास एक और आइडिया है, जरूरी नहीं है ना, क्योंकि जो आजकल ये सिम वाले कार्ड चले हुए ना, बंदा आराम से शॉपिंग करे, वो स्कैन करते हैं, ठीक है। अब मैंने गजब टू बी बाज आदमी है भैया, आपको कार्ड नहीं देना, इस बात पे रहना, ठीक है ना, बस ये मेरी तरफ से ईदी आपके, बट ठीक है पता लग गया, अगर 1 रुपया ही बेचना होगा, मैं पैसे हैं ठीक है, मैक्सिमम कितने हैं पैसे? 45,000 है, चलो ठीक है स्कैन करके 5-6,000 की कोई शॉपिंग हो जाएगी ना यार। इस महीने में दे दिया एटीएम कार्ड, जो कि इसने अपना पिन कोड नहीं बताया, लेकिन लेकिन लेकिन
ये है सिम कार्ड जो मतलब कि स्कैन हो जाएगा शॉपिंग करके, मतलब यदि हमें मिल गई है। A few moments later. आज तो ना मतलब कि काफी अच्छी सी चीजें यदि में मिल रही हैं। बाकी एक और भाई से पूछें, अस्सलाम वालेकुम ब्रो। ईद मुबारक। और यदि दे दो यार, आपका हक बनता है, आप हमारे बड़े भाई हो, शक्ल से भी हमसे बड़े लग रहे हो, आपका हक है कि हमें यदि दो। नहीं प्रैंक नहीं कर रहा, नहीं आप बड़े हो भाई यार, ये देखो आप सीनियर हो हमारे। अच्छा चलो यदि दो कुछ, थोड़ा बहुत कुछ भी यदि दो। कितनी चाहिए? या जितनी आप मतलब के जो आप अफोर्ड कर सकते हो, जितनी आपकी पॉकेट आपको मतलब के देती है। ये 500 रुपया कन्फर्म है? वापिस नहीं करने मैंने यार, ये 500 रुपया भाई की, भाई से ईद मिल गई है। अगर भाई की ये बंदी ये व्लॉग देख रही है ना, तो भाई आप लाजमी कमेंट में बताएं कि आपको भाई ने कितनी दे दी है। चलें थैंक यू यार, थैंक यू भाई। बाकी मैं 500 रुपया तुम देना होगा नहीं, ठीक है? 2000 years later. अच्छा तो क्लास से हो गए हैं फ्री, और भाई सुकून आज जिंदगी में पहली दफा सुकून आया क्लास में। उसकी रीजन ये थी कि बाहर थी गर्मी और क्लास में लगे हुए थे AC, तो जिंदगी में पहली दफा भाई आज क्लासेस लेने का मजा आया। आज पहला दिन था जब हम क्लास से भागने को दिल नहीं था, क्योंकि बाहर इतनी धूप होती है, क्लास में सुकून से बैठ के मोबाइल। भाई मैं कह रहा हूँ कि आज बहुत ज्यादा मजा आया था। खैर चलते हैं, वो अपना ईदी वाला तो प्रोसीजर करें, वो आवाम ही जा रही है, पूरी यूनिवर्सिटी खाली है अभी, एक दो वो जा रही है। अभी पूरी यूनिवर्सिटी वैसे खाली है, और क्या कर सकते हैं वैसे, जो है उनसे पूछ के। बाकी जो एक दो मिलते हैं फिर पूछते हैं उनसे। अब मांगने वाला काम करना है तूने, और तेरा iPhone 6s मैंने तुझे वापस नहीं करना, ठीक है ना? किधर चलते हैं? वे यूनिवर्सिटी खाली खाली सी होगी, इतना वो सुकून नहीं मिल रहा, बात है कि नहीं? ऐसी ऐसे ही है। चलो वो सामने वाले से। ओके ओके ओके। A few moments later. एक बंदा हमें मिल चुका है लो, लेकिन जो बिल्कुल नडाल हो के और ऐसे मरा मरा हो के ना पार्क में लेटा, उससे उसके पास चलते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अरे खड़े हो जाओ, आ गया मामा। आ गया यार, कैसे लेटे हुए हो? क्लास ही नहीं आज गई यार, यू नो कमर में थोड़ा सा ना इशू चल रहा है। हां यस आई नो, आई नो। वो बंदा थोड़े से गंदे काम ना करे, यू नो। ये टैटू बड़ा माशाल्लाह अच्छा बनाया, किसने बनाया? ये बनाया था वो मेरा दोस्त है, टैटू आर्टिस्ट काला में डैया। अच्छा 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 यार, ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फिर अपना मतलब का काम करते हैं। आपको कितनी ईद? आप हमसे बड़े हैं ना, आप हमसे बड़े हैं बेसिकली, आप हमारे भाई हैं, ऐसी बात है। मुसलमान मुसलमान का भाई है, तो आप भाइयों का फर्ज है ना भाई को ईद दो भाई कुछ थोड़ी बहुत। हो क्या चाहिए आपको ईदी में? क्या चाहिए यार? ईदी आपको मिली कितनी है भले ये बताओ? मुझे ईदी मिली थी 850 रुपए। 850 रुपए, उसमें से 300 हमें चाहिए ना, मतलब चलो 300 दे दो, 400 दे दो, ईद दो थोड़ी बहुत मिल जाएगी आपको। वैसे आपस की बात है, ईद गुजरे को अभी एक दो हफ्ते। मैम मैंने आगे इसलिए आपको बोला ना कि गुजरता ईद मुबारक, ठीक है? तो इसलिए मांग रहा हूँ। अच्छा, आपने तो हमें विश नहीं किया। मेरे पास आपको देने के लिए एक अच्छी चीज है। क्या? आपके जो व्लॉगर्स हैं, आपको जो देखने वाले ना सारे व्यूज है आपके, हम उन पे छोड़ते हैं कि आपको कितनी ईदी दी जाए। चलो वो कमेंट में, कमेंट अच्छा हुआ जिसके कमेंट में आपको ईदी देने के लिए सबसे अच्छी चीज हुई, हम उतना आपको हम ईदी। भाई वो कह रहा है, ये आपके व्यूवर्स पे डिपेंड करता है कि मतलब कितनी ईदी देनी चाहिए। नोमी तू आज 5-6 हजार दे। मैं अपनी दूसरी आईडी से 5-7 हजार लिख के दे दी। मिल जाएगी। ये ईद वाला दिन लिखा होता है, मेहंदी वाला भाई, ये भी हमने लिखा होता है। चांद बनाया होता है। पांव पे भी मेहंदी लगाते हो ना आप, मतलब के यू नो योर मम्मी डैडी बर्गर्स बच्चे बर्गर्स। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, टाइम हो गया ऑलमोस्ट हमारा घर जाने का, और ईदी भाई हमने जितनी कलेक्ट करनी थी वो कर ली। नौमी हॉस्टल से कर रहे हैं, नौमी भाई से भी कर ली भाई, हॉस्टल से नहीं करनी। और आपको कितनी ईदी मिली थी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और आज का मैं ब्लॉग कर रहा हूँ इधर ही खत्म, वीडियो अच्छी लगी और वीडियो को करें लाइक और चैनल करें लाजमी 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 सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।